स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने प्रश्न ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रश्न कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। कैसे प्रश्नों के उत्तर हमें देने चाहिए, जातक किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर उनका उत्तर एनालिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये आपको कुछ रास्ता दिखाएंगे। उदाहरण ही देना है मैंने, उस एक उदाहरण से आप हजार कुंडलियों पे उत्तर निकाल सकते हैं। ये प्रश्न कुंडली के सीरीज में दसवां वीडियो है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कोई जातक अगर शत्रु संबंधी प्रश्न पूछता है, क्योंकि जातक अक्सर पूछते हैं शत्रु संबंधी समस्या को लेकर, जब ज्योतिष के पास आते हैं तो शत्रुओं से परेशान जब होते हैं तो उससे मुक्ति के बारे में पूछते हैं, या उनकी स्थिति क्या रहेगी, हारेंगे या जीतेंगे, ऐसे प्रश्न वो पूछते हैं। तो प्रश्न कुंडली जब आप ड्रॉ करते हैं तो जातक के आने के बाद, तो आपने ध्यान देना होगा। बेसिक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, और एक से लेकर 12 भावों से क्या देखा जाता है आपको मालूम ही है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि छठा भाव अगर, तो आपको ये देखना होगा कि छठे भाव का जो लॉर्ड है वो लग्नेश से कमजोर है या मजबूत है। अगर छठे भाव का लॉर्ड लग्नेश से मजबूत है, सिक्स हाउस का लॉर्ड कहीं भी बैठा हुआ है, अगर लग्नेश से स्ट्रांग है तो आपका शत्रु प्रबल है, यानी जो जातक आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसको आप कह सकते हैं कि आपका शत्रु आपसे प्रबल है। लेकिन द्वादश भाव अगर, या द्वादशेष कहना चाहता हूं मैं, द्वादशेष अगर स्ट्रांग है तो जातक को स्ट्रांग समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूं। अक्सर जातक अपने शत्रु का नाम भी बताते हैं कि मेरे शत्रु का नाम फलाना है। अगर जातक अपने शत्रु का नाम बतलाता है तो आपको देखना है सप्तम भाव, तब शत्रु के लिए आपने छठे भाव को या षष्ठेश को नहीं देखना है। जब जातक आने वाला अपने शत्रु का नाम बताता है तब आपने सप्तम भाव पे ध्यान देना है, यानी सप्तमेश पे ध्यान देना है। अगर लग्नेश से सप्तमेश अगर स्ट्रांग है तो शत्रु को मजबूत समझना चाहिए, अगर सप्तमेश कमजोर है तो जातक की जीत कहनी चाहिए। मुकदमा चल रहा हो, अगर आजकल कोई राजा महाराजाओं का समय तो है नहीं कि तलवार और तीर धनुष लेकर कुरुक्षेत्र में डटे हुए हैं, तो ज्यादातर मुकदमा वाली स्थिति ही होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट वाली स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोफेशनल बॉक्सर हो, कोई प्रोफेशनल कराटे सीखने वाला हो, किसी कुश्ती में उसने जाना हो, तो ये प्रश्न का उत्तर वहां भी लागू होगा कि अगर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता के पहले आपसे पूछता है शत्रु से जीत संबंधी, विरोधी से जीत संबंधी, तो अगर लग्न में, यानी यहाँ प्रथम भाव में लग्न में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, राहु खास करके अगर मंगल बैठा हुआ तो बहुत अच्छा है, सूर्य शनि मंगल राहु इत्यादि अगर बैठे हुए हैं, शनि मंगल राहु सूर्य जैसे पाप ग्रह और क्रूर ग्रह अगर लग्न में है तो जातक की जीत आप कह सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि विजय आपसे प्रश्न पूछने वाले जातक की होगी। चतुर्थ भाव में अगर पाप ग्रह हो तो भी जातक की जीत होती है, यानी विरोधी हारता है। कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि दशम भाव में अगर शुभ ग्रह है तो जातक की विजय होती है लगभग। नवम भाव में मंगल शनि और शुक्र जैसे ग्रह अगर बैठे हैं तो जातक की विजय होती है। बेसिक्स मुद्दा बात यह है कि ऐसी बातें, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर और जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए। शकुन विचार के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। शत्रु मित्र से हार जीत से संबंधी प्रश्न में मूल बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि शत्रु के लिए छठा भाव, अगर शत्रु का नाम अगर जातक नहीं बताता है तो, और नाम अगर बतलाता है जातक आपको,
तो आपको सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। ये एक मूल बिंदु आप याद रख लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये भी कॉमन क्रिएटिव के तौर पे ही अपलोड होगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।